ओम शांति। आज है 20/4/19 का मुरली सार। नीचे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसीलिए प्रकृति में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो, याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। दूसरी पॉइंट है, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो ईविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। आज का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भाव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से दिल से बाप के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन है। ये स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज का स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को समालो तो माया की नजर से बच जाएंगे।